प्री बोर्ड एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम से जस्ट पहले कंडक्ट कराया जाता है ताकि सभी स्टूडेंट्स अपने परफॉर्मेंस को देख के उसमें सुधार कर सकें और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयार हो सकें। प्री बोर्ड एग्ज़ाम की तरह ही होता है, जिसमें आपसे पूरा सिलेबस पूछा जाता है। क्लास 10th एंड 12th दोनों ही क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम से पहले प्री बोर्ड एग्ज़ाम करवाया जाता है। एंड इस वीडियो में बताई जाने वाली हर एक बात अगर आप फॉलो करते हैं और समझ जाते हैं तो आप प्री बोर्ड में ईजिली 90% स्कोर कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 10 टिप्स शेयर करूंगी, जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आप बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन कर पाएंगे फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम एंड फॉर योर प्री बोर्ड एग्ज़ाम। नंबर 1, अंडरस्टैंड द सिलेबस। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको अपना सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। सो बी क्लियर अबाउट द एग्ज़ाम सिलेबस, अंडरस्टैंड विच टॉपिक आर इसेंशियल एंड फोकस ऑन दैम। बोर्ड एग्ज़ाम पैटर्न को भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्री बोर्ड में भी एग्जैक्टली वही चीज़ें फॉलो होती हैं। बोर्ड एग्ज़ाम की मार्किंग स्कीम एंड क्वेश्चन पैटर्न को समझें। बोर्ड एग्ज़ाम में एक स्पेसिफिक फॉर्मेट को फॉलो किया जाता है, जिसे हर एक स्टूडेंट को समझना चाहिए एंड उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस एंड प्रिपरेशन करनी चाहिए। लाइक MCQs कितने मार्क्स के होंगे, assertion एंड रीज़न बेस्ड questions कितने होंगे, direct questions, conceptual, numerical, practical या case studies based questions कितने आएंगे या कितने कितने marks के आएंगे। यानी एक तरह से हर एक subject का आपको blueprint बिल्कुल clear होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि उसके according आप अपनी preparation continue कर सकें। नंबर 2, create a study schedule। अपना study time wisely decide करें और हर सब्जेक्ट एंड टॉपिक के लिए स्पेसिफिक टाइम स्लॉट एलोकेट करें। अपने स्टडी आवर्स को छोटे छोटे ब्रेक्स के साथ मेंटेन करें, ताकि आपको स्ट्रेस भी ना हो और थकान से भी आप बच सकें। नंबर 3, प्रायोरिटाइज टॉपिक। आइडेंटिफाई करें उस टॉपिक को जिसमें आप वीक हैं और उसको प्रायोरिटाइज करें। अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय उस सब्जेक्ट को एलोकेट कीजिए जो आपको चैलेंजिंग लगता है। नंबर 4, यूज़ गुड स्टडी रिसोर्सेज। टेक्स्ट बुक, रेफरेंस मटेरियल एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कीजिए। हाई क्वालिटी स्टडी मटेरियल से स्टडी करने पर आपको भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिखेगा। नंबर 5, प्रैक्टिस रेगुलरली। रेगुलर प्रैक्टिस इज की सॉल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, मॉक टेस्ट भी ट्राई करें। इससे आपको एग्ज़ाम के पैटर्न को समझने में हेल्प मिलेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। जितना हो सके उतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपको पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का एक आइडिया मिल जाएगा कि किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। नंबर 5, सीक हेल्प। किसी भी टॉपिक में आप अटक जाते हैं तो दूसरों से हेल्प मांगने में बिल्कुल भी हेजिटेट ना हो। कंसल्ट करें अपने टीचर्स, क्लासमेट्स या ऑनलाइन के माध्यम से समझने की कोशिश करें, लेकिन उन टॉपिक्स को ज़रूर से ज़रूर समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे हम डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को स्किप करते जाते हैं हमारा उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कम होने लग जाता है। वहीं अगर डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टॉपिक को एक बार अगर हम समझ जाएं तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं वो भी हमें ईजी लगने लग जाता है। सो किसी भी डिफ़िकल्ट टॉपिक को स्किप ना करें, बल्कि अपने टीचर्स, अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करें। नंबर 6, बैलेंस डाइट मेंटेन कीजिए। रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। 7 से 8 घंटे की प्रॉपर और बेस्ट नींद लीजिए, क्योंकि प्रॉपर स्लीप बहुत ज़रूरी है। हेल्दी लाइफस्टाइल इन्हेंस करेगी आपका कॉन्सेंट्रेशन एंड मेमोरी। नंबर 7, रिवाइज रेगुलरली। टॉपिक या फॉर्मूला लॉन्ग टर्म याद रहे, इसके लिए आपको बार बार रिविज़न करना है। रिविज़न के लिए आप अपने नोट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नंबर 8, टाइम मैनेजमेंट। एग्ज़ाम के दौरान अपने समय को वाइसली मैनेज कीजिए। अपने आंसर्स राइटिंग स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए अलॉटेड टाइम में आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। नंबर 9, प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। आंसर शीट में अपने आंसर्स को बिल्कुल नीटली प्रेजेंट कीजिए। यूज़ हेडलाइंस, बुलेट पॉइंट्स एंड डायग्राम व्हेनेवर एप्लीकेबल। एंड याद रखिए, एक वेल प्रेजेंटेड आंसर अक्सर एक्स्ट्रा मार्क्स अर्न करते हैं। सही तरह से आंसर्स कैसे लिखते हैं एंड एग्जामिनर आंसर में ऐसा क्या देखकर किसी स्टूडेंट को पूरा नंबर देता है, वहीं कुछ स्टूडेंट्स के नंबर कट जाते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में, जो कि आप ये वीडियो ख़त्म होने के बाद देख सकते हैं। नंबर 10, स्टे काम। एग्ज़ाम स्ट्रेस बिल्कुल नेचुरल है, बट ये बहुत ज़रूरी है कि हम बिल्कुल काम रहें। अगर आप एनेक्जियस फील करते हैं तो रिलैक्सेशन टेक्निक प्रैक्टिस कीजिए, जैसे डीप ब्रीथिंग, इनहेल एंड एक्सहेल से भी आपको काफ़ी अच्छा फील होगा।
राइट। सो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक करके अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनका बोर्ड या प्री बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है, और चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहे। और याद रखिए, कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन से कुछ भी पॉसिबल है। स्टे फोकस्ड, स्टे पॉजिटिव एंड गिव योर बेस्ट एफर्ट। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम।